हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपका ही चैनल फैंटेसी विनर पर। आज जो हम लोग बात करने वाले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो थर्ड ओडीआई मैच खेला जाएगा उसके बारे में, तो पहले ही बता दो, हम लोगों ने लगातार अल्ट्रा क्लीन स्वीप करने के बाद स्मॉल लीग पर अभी हम लोग तीसरा ओडीआई की तरफ बढ़ेंगे और तीसरा ओडीआई पर भी कोशिश करेंगे उसी के साथ अल्ट्रा क्लीन स्वीप करने का, जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट कुछ मैचों में कर कर आए, उसके लिए आप लोग भी थोड़ा बहुत दुआ करना। तो चलो हम लोग पहले वेन्यू की तरफ से स्टार्ट करेंगे, वेन्यू क्या होने वाला है उसके साथ साथ हम लोग देख लेंगे एवरेज स्कोर क्या होने वाला है, उसके साथ साथ देख लेंगे पिच रिपोर्ट और स्पिनर ने कितना विकेट लिया और वगैरह वगैरह जो भी चीज़ होता है पिच रिपोर्ट के हिसाब में, वो सारे चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग पिच रिपोर्ट के ऊपर ध्यान देंगे, आपको पहले देखने को मिल जाए वेन्यू, वेन्यू कहां पर होने वाला है। वेन्यू जो होने वाला है इमारत ओल्ड ट्रफोर्ड स्टेडियम पर यह मैच होने वाला है। एवरेज स्कोर क्या अगर इसी पिच का बात करेंगे तो 264 से लेकर 274 के आसपास आपको एवरेज स्कोर जो है देखने को मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम लोगों ने पिच रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे तो पिच रिपोर्ट जो है ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो बॉलिंग तरफा ये पिच जो है जाने वाला है, किस लिए जाने वाले वो भी हम लोग बात करेंगे। लास्ट 10 मैचों के अंदर स्पिनर ने विकेट लिया है 51 विकेट और फास्ट गेंदबाजों ने लिया है 107 विकेट, कहीं ना कहीं दुगना विकेट लिया है फास्ट गेंदबाजों ने। यहीं पर अगर हम लोग देखेंगे ऑन एन एवरेज एक मैच में कितना विकेट गिर सकता है, टोटल विकेट की अगर बात करेंगे तो टोटल विकेट जो है 158 गया है, हम लोग 160 पकड़ लेते हैं, उसी के हिसाब से एवरेज जो विकेट गया है 160 के हिसाब से 16 विकेट गया है एक मैच में 16 विकेट गया तभी जाकर 10 मैच में 160 हुआ है। एक मैच पर अगर 16 विकेट जाता है तो आप पकड़ सकते हो कि एक टीम का 8 विकेट और दूसरा टीम का भी 8 विकेट ही जाने वाला है। आप यहाँ पर सोच सकते हो कि एक टीम का 6 विकेट, एक टीम का 10 विकेट, आप ऐसा भी सोच सकते हो एक टीम का 9 विकेट, एक टीम का 7 विकेट, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन 16 विकेट जो है ऑन एन एवरेज गिरने वाला है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, 16 की जगह 14 हो सकता है या तो फिर 16 की जगह 18 भी हो सकता है, लेकिन यही आगे पीछे रहने वाला है। अभी हम लोग बात कर लेंगे प्लेइंग 11 का, क्या होने वाला है इंडिया का प्लेइंग 11, क्या होने वाला है इंग्लैंड का प्लेइंग 11। प्लेइंग 11 में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है, फिर भी यहाँ से हम लोग बता देंगे कि कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा प्लेयर जबरदस्त पारी खेल सकता है और कौन सा प्लेयर थोड़ा फ्लॉप जाने का चांसेस ज्यादा है। हम लोग जैसे ही बात करेंगे रोहित शर्मा इसका स्टार्ट देखेंगे तो 76-0 रोहित शर्मा जो है रिस्की प्लेयर है टोटली, आप अगर ट्राई करो तो रिस्की में ट्राई करो, ठीक है। अब शेखर धवन 31-9, शेखर धवन का जो स्टार्ट है इंग्लैंड के खिलाफ बहुत ही जबरदस्त है, तो शेखर धवन को आप कैप्टन वाइस कैप्टन से ट्राई कर सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट सी प्लेयर है। विराट कोहली 0-16, विराट कोहली को सभी लोग ड्रॉप करके चल रहे हैं क्योंकि ये विराट कोहली जो है अभी फॉर्म पर नहीं है, लेकिन विराट कोहली जो है इंग्लैंड के खिलाफ हमेशा जितना टाइम खेलता आया हुआ है उतना टाइम इंग्लैंड के खिलाफ हमेशा 60+ रन बनाया है, तो उस हिसाब से मेरे लिए विराट कोहली भी एक इंपॉर्टेंट सी बन जाता है। ऋषभ पंत भी सेम है, ऋषभ पंत भी इंग्लैंड के खिलाफ जबरदस्त पारी खेलता है, तो ऋषभ पंत भी एक हम लोगों के लिए अच्छा खासा इंपॉर्टेंट चॉइस रहेगा। सूर्या कुमार यादव की बात करेंगे तो 6-27, हार्दिक पांड्या 0 विकेट 29 के साथ 2 विकेट, रविंद्र जडेजा 66 के साथ 1 विकेट 29 के साथ 0 विकेट, मोहम्मद शमी की अगर बात करेंगे तो 3 विकेट 1 विकेट। मोहम्मद शमी का एक सीक्रेट मैं यहाँ पर बता देता हूँ, मोहम्मद शमी के बॉलिंग पर जॉस बटलर बहुत बार आउट हो चुका है, 6 बार ऑलरेडी ओडीआई में मोहम्मद शमी के गेंद पर आउट हो चुका है, कौन जॉस बटलर, तो मोहम्मद शमी हम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सी बनता है। फिर आपको देखने को मिलेगा जसप्रीत बुमराह 6 विकेट 2 विकेट, युवेंद्र चहल 0 विकेट 4 विकेट, प्रदीप कृष्णा 1 विकेट 1 विकेट। प्रदीप कृष्णा की जगह पर अर्शदीप सिंह आ सकता है, कंफर्म नहीं है लेकिन आ सकता है। अभी हम लोग इंग्लैंड की तरफ से बात करेंगे, इंग्लैंड की तरफ से बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा आप अगर अपना लॉस कवर करना चाहते हो तो सीधा जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाओ, जहां पर हर रोज हम लोग क्लीन स्वीप के साथ मैचेस विन करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत एक आध मैचेस तो लॉस हो जाता ही है, वो तो मतलब क्या मतलब दुनिया का समझ सकते हो हर चीज, तो आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाओ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिल जाएगा, उसके साथ साथ फर्स्ट कमेंट पर भी देखने को मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इससे क्या होता है कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने का इच्छा जगता है, तो फटाफट जाकर आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। अभी हम लोग इंग्लैंड की तरफ से जैसे बात करेंगे आपको पहले देखने को मिल जाए जेसन रॉय 0-23, जॉनी बेयरस्टो 7-38। जॉनी बेयरस्टो जो है, जॉनी बेयरस्टो हमेशा
इंडिया के खिलाफ अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है कौन? जॉनी बेयरिस्टो। तो जॉनी बेयरिस्टो हम लोग ले ट्रंप पिक बनेगा ग्रैंड लीग के लिए। जो रूट की अगर बात करेंगे तो 0-11 जो रूट भी इंग्लैंड के सॉरी इंडिया के खिलाफ अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिला है। बेन स्टॉक की अगर बात करूँगा तो 0-21 के साथ एक विकेट, खास इंपॉर्टेंस ही नहीं रहने वाला है। जॉस बटलर 30-4 जॉस बटलर को हमेशा कौन पहला है? मोहम्मद शमी ने हमेशा जॉस बटलर को पेल कर गया, तो हम जॉस बटलर को थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। लियाम लिविंगस्टन की अगर बात करेंगे तो 8-33 के साथ एक विकेट, मोइन अली 14 के साथ 0 विकेट, 47 के साथ एक विकेट, डेविड विली 0 विकेट 1 विकेट 21 रन 41 रन। ये जो डेविड विली है आपको देखने को मिल जाएगा बॉलिंग सेक्शन पर, लेकिन डेविड विली जो है जबरदस्त ऑलराउंडर है, यानी कि ये ऑलराउंडर ही है, लेकिन फिर भी ऐसे ऑलराउंडर पर बहुत सारा प्लेयर होने की वजह से डेविड विली को बॉलिंग सेक्शन पर दिया हुआ है। तो अगर टीम क्रिएट कर रहे हो तो डेविड विली को जरूर से जरूर पिक करके चलना। फिर आपको देखने को मुझे ओवरटन 0 विकेट 0 विकेट, बी कर्स की अगर बात करेंगे तो 2 विकेट 1 विकेट, आर टोपली की अगर बात करेंगे तो 0 विकेट 6 विकेट। ये होने वाला है हम लोगों का कुछ प्लेइंग 11 जो प्लेइंग 11 में आ सकता है। अभी हम लोग टीम रेडी करेंगे, क्या होने वाला है हम लोगों का टीम कॉम्बिनेशन। तो हम लोग जो टीम रेडी करेंगे टोटल 4 टीम रेडी करेंगे, 4 में से 1 रहेगा स्मॉल लीग का और 3 रहेगा ग्रैंड लीग का। तो देर किस बात का, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे टीम रेडी करेंगे पहले ही आपको देखने को मिल जाएगा विकेट कीपर सेक्शन। विकेट कीपर सेक्शन में आपको कौन कौन देखने को मिल जाएगा? यहाँ से ऋषभ पंत देखने को मिल जाएगा, जॉनी बेयरिस्टो मिल जाएगा और उसके साथ साथ जॉस बटलर मिल जाएगा। पहले हम लोग जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हम लोग स्मॉल लीग का टीम रेडी करेंगे, तो स्मॉल लीग का टीम के अनुसार हम लोग पहले लेंगे जॉनी बेयरिस्टो को और दूसरा हम लोग ले लेंगे ऋषभ पंत को। आप अगर चाहो तो यहाँ से ऋषभ पंत को छोड़कर जॉस बटलर को ले सकते हो स्मॉल लीग पर। अभी के लिए हम लोग यहाँ पर जॉस बटलर को ले लेते हैं। अब बचा 4 बैटिंग सेक्शन। 4 बैटिंग सेक्शन में किसको किसको लेने वाले? 4 बैटिंग सेक्शन में पहले हम लोग लेंगे रोहित शर्मा, शेखर धवन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, 4 तो इधर से ही हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर किसको छोड़ने वाले हैं? हम लोग यहाँ पर जो है विराट कोहली के ऊपर रिस्क ले लेंगे। स्मॉल लीग का टीम है, रोहित शर्मा यहाँ पर हम लोग रोहित शर्मा के ऊपर रिस्क लेंगे, रोहित शर्मा के ऊपर रिस्क लेंगे और शेखर धवन, विराट कोहली एंड सूर्य कुमार यादव रखेंगे। ये रहा अपना शेखर धवन, विराट कोहली एंड सूर्य कुमार यादव, ये हो गया अपना 3 बैटिंग। अब बचा लास्ट एक बैटिंग पर हम लोग किसको लेंगे? लास्ट एक बैटिंग पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर बैटिंग अगर देखने को मिल जाएगा, एक लियाम लिविंगस्टोन देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा एक जो रूट है जेसन रॉय ओपनर है। जेसन रॉय को नहीं लेंगे, जॉनी बेयरिस्टो को ऑलरेडी ले चुका हूँ विकेट कीपिंग में। जो रूट बचा है और बचा है कौन? लियाम लिविंगस्टोन। तो इस बार हम लोग ले लेंगे जो रूट। आप अगर चाहो जो रूट की जगह लियाम लिविंगस्टन ले सकते हो। लियाम लिविंगस्टन जो है थोड़ा रिस्की चॉइस होगा, लियाम लिविंगस्टन की बजाय आप जो रूट को ही ले लो तो ही बेहतर है। अब बचा ऑलराउंडर सेक्शन। ऑलराउंडर सेक्शन पर किसको किसको मैं फील करने वाला हूँ? ऑलराउंडर सेक्शन पर फर्स्ट ऑप्शन रहेगा अपना हार्दिक पांड्या और दूसरा यहाँ से बेन स्टोक को नहीं लेंगे, हम लोग सीधा मोइन अली। आप अगर चाहो यहाँ पर बेन स्टोक को ले सकते हो, रिस्क की चॉइस होगा, लेकिन बेन स्टोक को लेने से बजाय मेरा मोइन अली सही है। आप अगर चाहो तो ये एक ऑलराउंडर लेकर मोइन अली की जगह पर ये जो सेक्शन है इसको बैटिंग में शिफ्ट करके यहाँ पर लियाम लिविंगस्टोन को भी ले सकते हो। अभी बचा 3 बॉलिंग सेक्शन। 3 बॉलिंग सेक्शन पर मैंने पहले क्या बताया, ये डेविड विली को जबरदस्त लेना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग पहले ले लेंगे डेविड विली, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे यहाँ से दो बॉलिंग सेक्शन पर हम लोग जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद शमी। यह हो गया अपना पहला टीम कॉम्बिनेशन स्मॉल लीग का। अब यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन से बताना बाकी है। कैप्टन वाइस कैप्टन से ट्राई करो स्मॉल लीग पर, हार्दिक पांड्या ट्राई करो और उसके साथ ट्राई कर लो तुम शेखर धवन, जो रूट एक, जॉनी बेयरिस्टो एक, ये कुछ प्लेयर रहेगा जिन लोगों को आप कैप्टन वाइस कैप्टन से ट्राई कर सकते हो। फाइनल जो टीम है वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाएगा। स्क्वाड में अगर कोई भी चेंजेस होता है तो वो सीधा टीम में भी बहुत सारा चेंजेस हो जाएगा। तो देर ना करते आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टीम प्रोवाइड किया जाएगा और वहीं पर जो फाइनल टीम है टेलीग्राम पर ही आपको दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उसके साथ साथ फर्स्ट कमेंट पर भी मिल जाएगा। तो चलो अभी हम लोग दूसरी तरफ बढ़ते हैं, यानी कि ग्रैंड लीग टीम कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रैंड लीग पर हम लोग क्या करेंगे, जॉस बटलर जो है उसको छोड़ देंगे, सिर्फ और सिर्फ जॉनी बेयरिस्टो को लेकर चलेंगे। ये विकेट कीपर सेक्शन जो है इसको हम लोग छोड़ते हैं। अभी हम लोग बैटिंग सेक्शन फिल कर लेते हैं। बैटिंग सेक्शन पर हम लोग लेंगे शेखर धवन, विराट कोहली, शेखर धवन
विराट कोहली, ठीक है। अब बचा दो बैटिंग सेक्शन, ये दो बैटिंग सेक्शन पर हम लोग क्या ट्राई करेंगे, जो रूट और उसके साथ साथ लियाम लिविंगस्टन, जो रूट उसके साथ लियाम लिविंगस्टन, ठीक है। ये हो गया अपना ग्रैंड लीग का बैटिंग सेक्शन। अब बचा दो ऑलराउंडर सेक्शन, दो ऑलराउंडर सेक्शन पर हम लोग ट्राई कर लेंगे हार्दिक पांड्या और उसके साथ ट्राई कर लेंगे मोइन अली, हार्दिक पांड्या उसके साथ ट्राई कर लेंगे कौन, मोइन अली। अब बचा तीन बॉलिंग सेक्शन, तीन बॉलिंग सेक्शन पर क्या करेंगे, हम लोग लेंगे मोहम्मद शमी के साथ, जसप्रीत बुमराह हो चुका है तो इस बार हम लोग लेंगे मोहम्मद शमी के साथ युजवेंद्र चहल। और मेरा ख्याल से ये जो नेक्स्ट मैच होने वाला है मोहम्मद शमी थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, तो मोहम्मद शमी को आप ग्रैंड लीग पर ट्राई कर सकते हो। तो हम लोग मोहम्मद शमी के साथ युजवेंद्र चहल ट्राई करेंगे, मोहम्मद शमी उसके साथ युजवेंद्र चहल, ठीक है। अब बचा लास्ट एक ऑप्शन, डेविड विलो को लिया था, इस बार हम लोग ले लेंगे सी ओवरटोन, बहुत ही अच्छा खासा बॉलर है तो सी ओवरटोन को इस बार हम लोग ट्राई करेंगे डेविड विली की जगह, सी ओवरटोन। सी ओवरटोन जो है ये थोड़ा सा रिस्की है डेविड विली की बजाय, डेविड विली जो आपको बॉलिंग से पॉइंट देगा या तो फिर बैटिंग से पॉइंट देगा, क्योंकि बैटिंग भी अच्छा कर लेता है, ये चीज़ ध्यान देना। ये होने वाला है अपना पहला ग्रैंड लीग टीम कॉम्बिनेशन। अभी भी एक स्पॉट बचा है, वो है ये वाला, यहाँ पर हम लोग किसको लेने वाले, इसको हम लोग बैटिंग सेक्शन में शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे सूर्या कुमार यादव, समझ रहे हो बात को, एक विकेट कीपर और पांच बैट्समैन, दो ऑलराउंडर, तीन बॉलर, ये होने वाला हमारा टीम कॉम्बिनेशन। अभी हम लोग रेडी करेंगे दूसरा टीम, दूसरा टीम हम लोग क्या करेंगे, दूसरा टीम पर पहला टीम में हमने किसको लिया, शेखर धवन विराट कोहली, और पहला टीम में शेखर धवन विराट कोहली सूर्य कुमार यादव, इस बार हम लोग क्या करेंगे रोहित शर्मा विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव रखेंगे, रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव विराट कोहली। अब बचा यहाँ से दो विकेट कीपर सेक्शन, दो विकेट कीपर सेक्शन पर हम लोग क्या करने वाला, दो विकेट कीपर सेक्शन में पहला तो हम लोग ले लेंगे यहाँ से जॉनी बेरिस्टो के साथ ऋषभ पंत, जॉनी बेरिस्टो और उसके साथ ले लेंगे ऋषभ पंत। अब बचा ये लास्ट एक बैटिंग सेक्शन, लास्ट एक बैटिंग सेक्शन पर हम लोग किसको ट्राई करेंगे, लास्ट एक बैटिंग सेक्शन पर हम लोग यहाँ से ट्राई करेंगे जो रूट को, जो रूट। अब बचा दो बॉलिंग सेक्शन, सॉरी दो ऑलराउंडर सेक्शन, दो ऑलराउंडर सेक्शन पर हम लोग क्या करेंगे हार्दिक पांड्या को इस बार नहीं लेंगे, इस बार हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेंगे मोइन अली, और ये जो स्पॉट है इसको हम लोग विकेट बैटिंग में शिफ्ट करेंगे और ये ऑलराउंडर को यहाँ पर ले लेंगे जेसन रॉय को, ये जो जेसन रॉय है, जेसन रॉय को हम लोग ऑलराउंड बैटिंग सेक्शन में शिफ्ट करके जेसन रॉय को हम लोग ले लेंगे। मैं अभी आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, अगर ये जो प्रिडिक्शन है आप लोगों को समझने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप सीधा जाकर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो, टीम के बारे में कुछ भी आप लोग का क्वेश्चन है कि भाई मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, भाई इसको क्या करना है उसको क्या करना है, जो भी चीज़ पूछना है आप सीधा जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर ऑलरेडी दिया हुआ है। अभी हम लोग फिल करेंगे बॉलिंग सेक्शन, लास्ट टीम में क्या किया था, मोहम्मद शमी के साथ चहल किया था, इस बार करेंगे जसप्रीत बुमराह के साथ चहल, ये हो गया अपना जसप्रीत बुमराह और ये हो गया अपना युजवेंद्र चहल। अब बचा लास्ट एक ऑप्शन, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे आर टोपली को लेंगे, आर टोपली, हो गया अपना टीम कॉम्बिनेशन, तीसरा बार टीम कॉम्बिनेशन हम लोगों का रेडी हुआ। अब बचा लास्ट टीम कॉम्बिनेशन, लास्ट टीम कॉम्बिनेशन क्या रेडी करेंगे, लास्ट टीम कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा, वीडियो को थोड़ा सा आप पीछे लेकर जाकर जहाँ से मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था वहाँ पर जाओ और वहाँ पर जाकर आप देखो कि मेरा फेस कैसा था जब मैं वीडियो स्टार्ट किया, और अब जैसे कि मैंने थोड़ा आगे आया यानी कि वीडियो को रनिंग किया और मेरा अभी पसीना होकर क्या हालत है। ये मेहनत के लिए कम से कम चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन हो जाना। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं चौथावा टीम की तरफ, चौथा टीम पर हम लोग क्या करेंगे, चौथावा टीम पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत को लेंगे, ऋषभ पंत, ठीक है। अब बचा अपना चार बैटिंग सेक्शन, चार बैटिंग सेक्शन पर हम लोग क्या करेंगे, चार बैटिंग सेक्शन पर हम लोग पहला ले लेंगे जेसन रॉय, दूसरा लेंगे जो रूट, ये रहा जेसन रॉय और दूसरा लिया जो रूट। अब बचा दो बैटिंग सेक्शन, दो बैटिंग सेक्शन पर इस बार हम लोग रोहित शर्मा के साथ सूर्य शेखर धवन ही रखेंगे, रोहित शर्मा और उसके साथ शेखर धवन, ये हो गया अपना टीम कॉम्बिनेशन। अब बचा हम लोगों का दो ऑलराउंडर सेक्शन, दो ऑलराउंडर सेक्शन पर पहला हम लोग ले लेंगे रविंदर जडेजा, रविंदर जडेजा, दूसरा वो हम लोग लेंगे मोइन अली। बेन स्टोक को क्यों नहीं ट्राई कर रहे, बेन स्टोक भले ही ऊपर बैटिंग करने आएगा लेकिन फॉर्म पर नहीं है और बॉलिंग भी नहीं डलवा रहा है, अगर बेन स्टोक बॉलिंग डलवाता है तो फिर हम लोग यहाँ पर मोइन अली की जगह बेन स्टोक को ले सकते हैं, तो अभी के लिए हम लोग बेन स्टोक को नहीं ले रहे, किसको ले रहे, मोइन अली को, मोइन अली हो गया। अब बचा हम लोगों के पास तीन बॉलिंग सेक्शन, और हाँ मैं एक चीज़ बता दूँ, बेन स्टोक कल के मैच में बॉलिंग डलवाएगा, 100% बेन स्टोक बॉलिंग डलवाएगा, 100% बेन स्टोक बॉलिंग डलवाएगा, तो बेन स्टोक को जरूर से जरूर ट्राई करना। अभी हम लोगों को बचा है चार बॉलिंग सेक्शन, चार बॉलिंग सेक्शन में पहला हम लोग ले लेंगे प्रदीप कृष्णा के साथ जसप्रीत बुमराह,
प्रदीप कृष्णा और उसके साथ ले लेंगे जसप्रीत बुमराह। लास्ट ऑप्शन बचा है बॉलिंग का, लास्ट ऑप्शन बॉलिंग में हम लोग यहाँ से ट्राई करेंगे, कौन किसको ट्राई करेंगे, डेविड विली को, डेविड विली। अब बचा और एक स्पॉट बचा है यहाँ पर, देखो एक दो तीन, तीन प्लेयर लिया हूँ और भी एक प्लेयर है, ये जो विकेट कीपर सेक्शन है इसको हम लोग बॉलिंग में शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर ले लेंगे हम लोग आर टोपली को, आर टोपली या तो फिर सी ओवरटोन, दोनों में से कोई एक प्लेयर आप ले सकते हो। मैं ट्राई करूंगा आर टोपली को लेने का, आप अगर चाहो तो यहाँ पर सी ओवरटोन को ले सकते हो, ये अपना ग्रैंड लीग का पिक हो सकता है आर टोपली। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टनसी का, कौन कौन सही होने वाला है और कौन कौन गलत होने वाला है। कैप्टन वाइस कैप्टनसी बात कर लेते हैं, रोहित शर्मा एक रिस्की चॉइस होगा, बता देता हूँ, सेफ एक रिस्की एक, है ना, सेफ में कितना आएगा, रिस्की में कितना आएगा, शेखर धवन सेफ एक, हार्दिक पांड्या सेफ दो, मोहम्मद शमी सेफ तीन, बस यही तीन तीन प्लेयर, और इधर से भी सेफ बता देता हूँ, सेफ में आएगा एक जॉनी बेरिस्टो एक, जेसन रॉय एक दो, जो रूट एक तीन, और डेविड विली एक चार, ये चार प्लेयर सेफ में आएगा, चार और इधर से दिया तीन, तो कितना हो गया सात प्लेयर सेफ में। अब रिस्की में बता देता हूँ, रिस्की में आएगा एक रोहित शर्मा, दूसरा आएगा अपना सूर्य कुमार यादव, तीसरा आएगा विराट कोहली, चौथा हुआ अगर कोई आता है रविंद्र जडेजा, चार इधर से देंगे रिस्की। अब इधर से अगर रिस्की आता है बेन स्टोक एक, जॉस बटलर एक दो, इधर से चार और दो छः हो गया, और एक आएगा मोइन अली एक, छः और एक सात, सात और उसके साथ अगर कोई है तो कोई नहीं है, इधर से भी सात, इधर से भी सात प्लेयर हमने दे दिया, तो सात सात चौदह प्लेयर। अगर चौदह प्लेयर होता है ग्रैंड लीग में, टीम बनाते हो चौदह प्लेयर का, मतलब चौदह कैप्टन वाइस कैप्टनसी के साथ, तो आपको कितना टीम रेडी करना पड़ेगा, सात टीम रेडी करना पड़ेगा। सात टीमों में से मैं यहाँ पर ऑलरेडी आप लोगों को कितना टीम दे दिया, चार टीम दे दिया, बाकी रहा तीन टीम। ये जो तीन टीम है, ये तीन टीम क्या आप खुद से नहीं बना पाओगे, नीचे कॉमेंट करके बताना, और अगर खुद से बना रहे हो टीम, तो अगर बनाते बनाते आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो आप सीधा मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम पर जाकर आप मुझे मैसेज करो कि भाई मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, इस प्लेयर को समझ में नहीं आ रहा है, इसकी जगह किसको लेना बेहतर होगा, या इसके जगह मैं उसको ले सकता हूँ क्या, ये सारा जो चीज़ें आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो कहाँ पर, इंस्टाग्राम पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, फटाफट जाकर फॉलो कर लो, जो भी आपका क्वेश्चन है प्रिडिक्शन के अनुसार वो आप मुझे जाकर पूछ सकते हो। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करेंगे, और ख़त्म करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और एक चीज़, ये जो वीडियो देख रहे हो ना आप, इतना मेहनत का फल मैं कुछ नहीं चाहता, आप सब्सक्राइब करो ना करो, लाइक करो ना करो, लेकिन ये जो वीडियो है भाई, आपके पास ड्रीम इलेवन से या तो फिर फैंटेसी से रिलेटेड जितना भी ग्रुप है, सारे के सारे ग्रुप में ये वीडियो को भाई शेयर कर दो, इतना काम मेरा कर देना। इसी के लिए, इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ खत्म, और अगर अच्छा लगे, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देना। अगर सब्सक्राइब करते हो तो मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, सब्सक्राइब करने के बाद ज़रूर से ज़रूर वो बेल आइकन जो है, बेल आइकन को प्रेस कर देना। क्यों करना है मैं बता देता हूँ, जैसे ही मैं नेक्स्ट कोई वीडियो अपलोड करूँगा, फर्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास जाएगा, तो वो फर्स्ट नोटिफिकेशन के लिए आप मेरा चैनल का सब्सक्राइब भी कर सकते हो, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ करते हैं वीडियो को ख़त्म, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।